हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू द 5G प्लस एजुटेक। मैं अर्पित कुमार परमार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, सो इसमें हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। सो दोस्तों, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज का हमारा जो लेक्चर है ये नेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में कुछ टॉप 11 न्यूज़ कवर की थी, वैसे इस टॉपिक में हम कुछ नेशनल पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में, जैसे करंट अफेयर्स के लेक्चर में, हम जो भी नेशनल पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में रही है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिन लोग की डेथ कर गई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय लेते हुए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारे पहले नेशनल पर्सनालिटीज़ के बारे में, जितनी हमें नेशनल पर्सनालिटी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे चांदी प्रसाद मोहंती, हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको डेजिग्नेशन दिया गया है। ये इनके पहले इन्होंने किसको सक्सीड किया है? एसके सैनी को। नेक्स्ट सिद्धार्थ मोहंती, हमारे MD है LIC के। TC सुशील कुमार को इन्होंने सक्सीड किया है। नेक्स्ट संजीव कुमार, ये हमारे CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके? TCIL के, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट सोमा मंडल, चेयरपर्सन ऑफ सेल। सेल का फुल फॉर्म दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको थोड़े बहुत दोस्तों क्या है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए वैसे ही। नेक्स्ट सुनीत शर्मा, चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। कुछ रेलवे से इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। VK यादव, इनको सक्सीड किया इन्होंने, सुनीत शर्मा ने। सुबोध कुमार जायसवाल, डायरेक्टर ऑफ CISF। जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका आप डायरेक्टर अच्छे से याद कीजिएगा। सो हमारे CISF के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल, राजेश रंजन जी को इन्होंने सक्सीड किया है। विनीत अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ SOCM। ये जो आपके जिनको भी सक्सीड किया इन्होंने, मैं आपको यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मेन तो यही होता है कि किन लोगों की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, तो इनको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट उदय शंकर, चेयरमैन ऑफ FICCI। राजीव चौधरी, डायरेक्टर ऑफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे CISF के कौन? सुबोध कुमार जायसवाल, वैसे BRO के कौन? राजीव चौधरी। वर्षा जोशी, चेयरपर्सन ऑफ NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। संदीप कटारिया, CEO ऑफ बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन। हरपाल सिंह, इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी। राजेश खुल्लर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। हर्षवर्धन सिन्हा, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये थोड़ा हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है CIC, जिनको आप ध्यान से रखिएगा, हर्षवर्धन सिन्हा जी। नेक्स्ट वेंकटरामू, MD एंड CEO ऑफ इंडियन पोस्ट परमानेंट बैंक। दिनेश कुमार खरा, चेयरमैन ऑफ SBI। चलिए दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए SBI की स्थापना कब हुई थी, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, 1955 में। और नेक्स्ट ईयर वहीं पे किसकी हो गई? LIC की। कब? 1956 में, ठीक है। तो दिनेश कुमार खरा हमारे चेयरमैन ऑफ SBI। शेखर कपूर, चेयरमैन फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, PD वगैरह, चेयरमैन ऑफ TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हरिवंश नारायण सिंह, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। के पद्माकर, CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। परेश रावल, चेयरमैन ऑफ स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD बोलते हैं जिसे। हेमंत खेत्री, चेयरमैन एंड MD हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अविक सरकार, चेयरमैन ऑफ PTI, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अविक सरकार। राकेश अस्थाना, डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। प्रदीप कुमार जोशी, चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जानते हैं आप, जितने भी हमारे
एग्जाम रिलेटेड होते हैं यूपीएससी के लिए, इनकी कमेटी होती है इनकी, जिसमें चेयरमैन यही है, बॉडी है एक गवर्नमेंट बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये अपनी एक, प्रदीप कुमार जोशी जी। हार्दिक सतीश चंद्र शाह नेक्स्ट हमारे पर्सनल सेक्रेटरी किसके, हमारे नरेंद्र मोदी, कौन है हमारे पीएम, कौन, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ऐसे थोड़े पर्सनल सेक्रेटरी को आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज जो हमारे नरेंद्र मोदी है पीएम है, तो इनके याद रखिएगा आप थोड़ा। सुमित दुबे सीएमडी ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, श्रीकांत माधव वैद्य चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रविंदर भाकर सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उदय कोटक चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, वी एन दत्त सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, और लास्ट हमारे संजय कोठारी जी जो है हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो ये हमारे जो सीआईसी और सीबीसी, इन दोनों को आप रखिएगा। कौन है हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर, संजय कोठारी, और सीआईसी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनको भी आप ध्यान से रखिएगा। यहीं पे होंगे ये अपने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, कौन है, हर्षवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हमारे जो भी पर्सन न्यूज में थे उनके पर्सनालिटीज के बारे में। सो हमारे फर्स्ट पर्सन एस एन सुब्रमण्यम, इनको नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इनको अपना चेयरमैन बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, किसको, एस एन सुब्रमण्यम को। महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू अर्न मोर देन 150 करोड़ इन द आईपीएल। नेक्स्ट सृष्टि गोस्वामी, वन डे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, एक दिन की उत्तराखंड की ये सीएम बनी, कौन, सृष्टि गोस्वामी। अच्छा बताइए दोस्तों हमारे अभी उत्तराखंड के कौन है सीएम, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट गीता मत्तल, फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, जिसको बोलते हैं बीसीसीसी, कौन है हमारे, गीता मित्तल। नरेंद्र मोदी नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, रमेश पोखरियाल निशांक ऑनर्ड विथ साहित्य गौरव सम्मान बाय हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा। बी एल भट्ट फोर्थ एक्सटेंशन एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द एनसीएलआईटी। रोहिणी गोडबोले ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाहर की गवर्नमेंट ने ऐसा ऑनर्ड किया है तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, कौन, रोहिणी गोडबोले को। नेक्स्ट रघुनाथ चंदोरकर रिकॉग्नाइज्ड एज ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, अभी तक जी रहे हैं ये, कौन, रघुनाथ चंदोरकर जी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक के ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। प्रेशा खेमानी सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक फॉर नेमिंग 150 कंट्रीज एंड देयर कैपिटल आफ्टर आइडेंटिफाई देयर फ्लैग्स विद इन 4.17 मिनट्स। इसको आसान भाषा में समझिए कि मतलब कि जो है हमारी प्रेशा खेमानी जी, इन्होंने 4.17 मिनट के अंदर कितने 150 कंट्री के फ्लैग देख के उनकी बता भी दी कि ये कौन सी कंट्री है उनकी कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हर्षवर्धन जी हमारे, इनको क्या है, गावी के क्या बनाया गया, इनको बोर्ड मेंबर बनाया गया, क्या है गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट राम सेवक शर्मा, इसको इन्हों क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया गया इन्हें चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर COVID-19। नेक्स्ट लियोन मेंडोन का इंडिया 67 चेस ग्रैंड मास्टर है, ध्यान दीजिएगा लियोन मेंडोन का 67 चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट के सिवान, ये हमारे इसरो के चीफ है, ये देखिए इनको 1 ईयर का और एक्सटेंशन मिल गया दोस्तों। ये इतनी अच्छी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ना, ऐसा क्या कहें ना, मतलब इन्होंने अपने कैरियर में 100 प्लस से ज़्यादा इन्होंने अभी तक प्रशिक्षण कर लिए हैं, सैटेलाइट्स भेज दिए हैं आसमान में, देखिए आप। हेमंत कुमार पांडे ऑनर्ड विथ DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, DRDO की तरफ से हेमंत कुमार पांडे जी को। अच्छा दोस्तों बताइए DRDO के हमारे चीफ कौन है, जैसे इसरो के हमारे चीफ मैंने अभी आपको बताया है, इसरो के चीफ हमारे के सिवान, वैसे DRDO कौन है, सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
रतन टाटा ऑनर्ड विथ एसोशेम्स एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी, काव्य दशोरा वॉन फर्स्ट प्राइज एट इनोवेट 4 SDG कंटेस्ट एट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, SDG बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जियान धरुवाला फर्स्ट इंडियन हु वॉन फॉर्मूला 2 रेस, आज तक कोई नहीं जीता है तो इनको याद रखिएगा, जियान धरुवाला। सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू नेक्स्ट मंथ टेन्योर एक्सटेंशन एज NHAI, NHAI बोलते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन। आधार पूनावाला 6 एशियन में अमॉन्ग 6 एशियंस हु वर नॉमिनेटेड एज एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड, 6 में एक ये भी है अपने यहाँ से। ओम महाजन जी, ये क्या है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ठीक है, फास्टेस्ट बाइसाइकिल चलाने का, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कितने दिन में, 8 दिन 7 घंटे और 38 सेकंड, मतलब 8 days 7 hours and 38 seconds में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया इन्होंने। सोच सकते हैं, देख रहे हैं आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं। के सिवान, अभी इनका नाम आया था ऊपर भी, फिर से आया इनका, इनका डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम विश्वेरिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इनको यहाँ से डॉक्टर की ऑनरी मिली है उपाधि। सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्ण, ये जो अपने रिजर्व बैंक है, इनको रिजर्व बैंक हैज अपॉइंटेड हिम एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, फर्स्ट चेयरमैन है ये इसके रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, जो हमारे नेक्स्ट स्टार सोनू सूद, COVID-19 के पेंडेमिक के समय काफ़ी छाए हुए थे, इन्होंने बहुत अच्छा ह्यूमैनिटेरियन काम किया, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट आइकन ऑफ पंजाब चुना गया है। नेक्स्ट तनय मांजरेकर, ये क्या है, फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन हाइपरलूप पॉड एट द देवलूप टेस्ट फैसिलिटी एट लास वेगास, फर्स्ट इंडियन है ये कौन, तनय मांजरेकर। अजीम प्रेम जी, इन्होंने टॉप किया है इंडियाज फिलंथ्रोपिस्ट 2020 विद अ टोटल डोनेशन ऑफ 7904 करोड़ में। नेक्स्ट MM नरवाने कॉन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। दिलीप राठ इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। अजय कुमार भल्ला, इनका हिज टेन्योर एज होम सेक्रेटरी हैज बीन एक्सटेंडेड, कौन है ये, होम सेक्रेटरी, और हमारे होम मिनिस्टर कौन है अभी के, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मंजीत अतवाल नेम्ड फॉर द क्वींस पुलिस मेडल। गुरदीप सिंह एक्सटेंडेड हिज टेन्योर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NTPC। अमिताभ बच्चन अपॉइंटेड फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कंपेन ऑफ RBI। ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है, इनको कस्टमर अवेयरनेस कंपेन RBI के इनको बनाया गया अमिताभ बच्चन जी को। खुशी चंदलिया अपॉइंटेड रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तुंजा इको जनरेशन। उदित संघाल जी, ये क्या है, इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स ऑफ SDGs नेम किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आयुष्मान खुराना सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर एवरी चाइल्ड। शिवांगी सिंह इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई द रफाल एयरक्राफ्ट। 26 जनवरी के इस बार हमारे पहली बार इनको लिया गया, देखिएगा। और ये भी दोस्तों याद रखिएगा, इस बार की हमारी 26 की जो झांकी जो जीती है टैबलो झांकी जीता है, कहाँ की जीती है बताइए, राम मंदिर के अयोध्या के केस में जो भी फैसला आया था तो उसी में हमारी जो झांकी बनाई गई है उसी में जीती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कुमुदिनी त्यागी एंड रीति सिंह सेलेक्टेड टू ज्वाइन एस ऑब्जर्वर्स ऑन इंडियन नेवी वारशिप्स एज पार्ट ऑफ द क्रीव। सचिन तेंदुलकर सेलेक्टेड एज PTM फर्स्ट गेम्स ब्रांड मास्टर्स। प्रमोद चंद्र मोदी 6 month एक्सटेंशन इन टेन्योर एज CVDT बोले तो क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, चेयरमैन बनाया गया इनको। नेक्स्ट प्रीतम सिंह सिंगापुर पार्लियामेंट कन्फर्ड द ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस टू हिम एज द कंट्रीज फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन। जी सतीश रेड्डी, ये लीजिए इनका नाम आ गया, अभी हमने आपको बताया भी था, 2 years के लिए इनका DRDO का चेयरमैन का इनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया। अजय त्यागी
ये भी इम्पोर्टेंट है, सेबी के ये बन गए हैं चेयरमैन, ये लिखा है सेबी। काला नारायण स्वामी, इनको भी हाईएस्ट नर्सिंग अकॉर्डल का अवार्ड किया गया है किस COVID-19 के वक्त, कहाँ पे, सिंगापुर में, काला नारायण स्वामी। अरुण कुमार नेक्स्ट हमारे, ये क्या, हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द पेरिस बेस्ड यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कैमिन्स और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इनको क्या बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया। अर्णब चौधरी अवार्डेड विद द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड ऑफ द टून्स मीडिया ग्रुप, मतलब क्या, लेजेंड ऑफ एनिमेशन टून्स मीडिया ग्रुप की तरफ से, पोस्टमसली इनकी डेथ कर गए हैं एक्चुअली। जानते हैं दोस्तों पोस्टमसली का मतलब क्या होता है, मतलब जो जिनको भी मतलब उनकी डेथ करने के बाद उनको अवार्ड दिया जाता है। हेमंग अमीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। इंजेति श्रीनिवास अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। डी के जैन रिसीव्ड 1 ईयर एक्सटेंशन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया क्रिकेट टू सर्व बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन। रंजित कुमार ऑनर्ड विथ नासास डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। एम नेथरा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP। किरण मजुमदार शॉ नॉमिनेटेड फॉर द EY मतलब EY वर्ल्ड एंटरप्रेनर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड एंटरप्रेनर्स ऑफ द ईयर मिला है दोस्तों, वर्ल्ड की बात आ रही है, ध्यान रखिएगा किनको, किरण मजुमदार जी को। ब्रजेंद्र नवनीत अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू द WTO, WTO के एम्बेसडर बनाए गए हैं। सुमन गवानी फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, पहली इंडियन पीस कीपर है सुमन गवानी जी। विनय भदवार वॉन अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड 2019। दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एक्सटेंडेड हर टर्म एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022, किनको, दिया मिर्जा जी को। नेक्स्ट ये हमारे नवीन पटनायक जी है ऑनर्ड विथ हीरो टू एनिमल अवार्ड। दोस्तों नवीन पटनायक जी आप बता सकते हैं ये कहाँ के CM है, पहली बात आपको बता दूं ये CM है, कहाँ के हैं CM, उड़ीसा के हैं दोस्तों, कहाँ के, उड़ीसा, ठीक है, नवीन पटनायक जी। और भावना देहरिया नेक्स्ट हमारे, सक्सेसफुली स्केल्ड 2028 मीटर माउंट कॉस्कियागो द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ऑस्ट्रेलिया। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो माउंट कॉस्कियागो है ये कहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की है, कौन चढ़ी इन पर, भावना देहरिया। नुपुल कुलक्षेत्र फर्स्ट वुमेन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बोले तो DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। नित्य गोपाल दास इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब उन लोगों को न्यूज़ जो भी न्यूज़ में कवर थे जो अभी पर्सनल डेथ कर गए हैं, जितने भी हमारे पर्सन से वो डेथ कर गए हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उनके बारे में हम देखेंगे, क्या इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रशांता डोरा फॉर्मर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम गोलकीपर। नेक्स्ट नरेंद्र चंचल इंडियन भजन सिंगर। माता प्रसाद फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सीनियर कांग्रेस लीडर भी। दोस्तों अभी बताइए, ये तो अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर थे, अभी इनके अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल CM और गवर्नर तीनों बताइए। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ, आधी इन्फॉर्मेशन आधी आप बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का CM कौन है, पेमा खांडू, पेमा खांडू। गवर्नर कौन है यहाँ के दोस्तों, गवर्नर DD मिश्रा। कैपिटल आप बताएंगे दोस्तों इसको कैपिटल, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज। विशांता रेनॉट ऑनकोलॉजिस्ट। नरेंद्र लूथर हिस्टोरियन ऑथर पोएट एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। नेक्स्ट गुलाम मुस्तफा खान इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन जो हमारे गुलाम मुस्तफा खान जी हैं। कमल मुरारका फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट।
डी प्रकाश राव, सोशल वर्कर एंड टी सेलर ऑफ उड़ीसा, पद्मश्री अवार्डी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था उड़ीसा के कौन है हमारे सीएम है, नवीन पटनायक जी। अभी बताया था ना आपको, नवीन पटनायक, ठीक है। तुल्लापति कुतुंब राव, पद्मश्री अवार्डी, फेमस तेलुगु जर्नलिस्ट। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे, पॉपुलर एस्ट्रोफिजिस्ट, स्टारवार्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। माधव सिंह सोलंकी, फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात, वेटरन कांग्रेस लीडर। ये तो फॉर्मर सीएम गुजरात है दोस्तों, है ना, कौन, माधव सिंह सोलंकी, सॉरी माधव सिंह सोलंकी। अभी कौन इनके गुजरात के सीएम बताइए, विजय रूपाणी, विजय रूपाणी है ना दोस्तों, अभी विजय रूपाणी सरकार चल रही है। और गवर्नर भी बताइए दोस्तों, यहाँ के आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है, ओके। सत्यपाल फैशन डिजाइनर, बूटा सिंह फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस। शमसुर रहमान फारूकी, फेमस पोएट, पोएट क्रिटिक, ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान इन 1996। मोतीलाल वोरा, फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, सीनियर कांग्रेस लीडर। अभी मध्य प्रदेश के सीएम कौन दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। माधव गोविंद वैद्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आइडियोलॉग एंड फर्स्ट स्पोक पर्सन। श्रीकांत, वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन सबमरीन एंड नेवी। रोदम नरसिम्हन, सॉरी दोस्तों, रोदम नरसिम्हा, इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड पद्म विभूषण अवार्डी। गोविंदाचार्य, पद्मश्री अवार्डी, संस्कृत स्कॉलर। दिनेश्वर शर्मा, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर्मर आईबी चीफ। धर्मपाल गुलाटी, फॉर्मर ऑफ फॉर्मर तो ऊपर है दोस्तों, चेयरमैन ऑफ एमडीएच, ग्रैंड ऑलमैन ऑफ स्पाइसेस, ग्रैंड ऑलमैन ऑफ स्पाइसेस, कौन, धर्मपाल गुलाटी। अच्छा दोस्तों, थोड़ा आपको हिस्ट्री के नजरिए से बताइए, जो हमारे, ये तो हमारे ग्रैंड ऑलमैन ऑफ स्पाइसेस की बात होगी, जो हमारे ग्रैंड ऑलमैन ऑफ इंडिया है ना, वो कौन कहलाते हैं बताइए, ग्रैंड ऑलमैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों, मुझे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फकीर चंद कोहली, फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपके जितने भी मोस्टली एग्जाम है टीसीएस ही करवाती है। अहमद पटेल, सीनियर कांग्रेस लीडर, राज्यसभा मेंबर ऑफ गुजरात। तरुण गोगोई, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है तरुण गोगोई। और अभी आसाम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, मृदुल सिन्हा, फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा, और अभी गोवा के गवर्नर कौन है दोस्तों बताइए, और सीएम भी बताइए। प्रमोद सावंत है यहाँ के सीएम, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम गवर्नर दोस्तों, आप बताएंगे। आपको हिंट इतना कर देता हूं मैं कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वही यहाँ के गवर्नर है। सौमित्र चटर्जी, लेजेंडरी बंगाली एक्टर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसिपियंट 2012 में, कौन, सौमित्र चटर्जी। आसिफ बसरा, बॉलीवुड एक्टर, टीवी एक्टर। संचमन लिंबू, फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम, अभी बताइए दोस्तों सिक्किम के सीएम कौन, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर गंगा प्रसाद, ठीक है, गंगा प्रसाद। नेक्स्ट, टी एन कृष्णन, रेनॉल्ड वायलिनिस्ट, पद्मश्री अवार्डी। सतीश प्रसाद सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और अभी बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। जयंता माधव, रेनॉल्ड इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विजय लक्ष्मी रामनम, फर्स्ट वुमेन टू बी कमीशन एज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की फर्स्ट वुमेन हुई है, देखिए दोस्तों। किशोर भिमानी, वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड क्रिकेट कमेंटेटर। भानु अथैया,
इंडिया फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर देखिए दोस्तों। अकितम नंबूथिर रिनॉर्ड मलयालम पोएट ज्ञानपीठ लॉरेट, शोभा नायडू फेमस कुचिपुड़ी डांसर ऑफ इंडिया एंड पद्मश्री अवार्डी। दोस्तों बताइए कुचिपुड़ी जो डांस है ये कहाँ का है? डांस बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का अभी बताइए सीएम कौन है? वाईएस जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट कुमुदिनी मुंशी लेजेंडरी गुजराती सिंगर नाइटिंगेल ऑफ गुजरात। वैसे नाइटिंगेल ऑफ गुजरात से याद आया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बताइए? सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट रामविलास पासवान कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन फाउंडर ऑफ एलजेपी। अश्वनी कुमार सीबीआई डायरेक्टर हु इन्वेस्टिगेटेड आरुषि मर्डर केस। सायदा अनवारा तैमूर ओनली वुमेन सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ असम, अभी तक एक यही रही है असम के सीएम। और अभी मैंने आपको बताया अभी असम के सीएम अभी करंट में कौन है? शुभानंद सोनोवाल। तो ये अभी ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ने असम रहे हैं, कौन रहे हैं? सायदा अनवारा तैमूर, याद रखिएगा दोस्तों। जसवंत सिंह फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। ईशर आलूवालिया इंडियन इकोनॉमिस्ट चेयरपर्सन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। एसपी बालासुब्रमण्यम ए वेटरन इंडियन म्यूजिशियन प्लेबैक सिंगर। शेखर बासु वेटरन एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। सुरेश अंगाड़ी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे बीजेपी एमपी फ्रॉम बेलगावी। पी आर कृष्ण कुमार इंडियन आयुर्वेद एक्सपर्ट फ्रॉम तमिलनाडु पद्मश्री अवार्ड। कपिल वत्सयान लीडिंग स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट आर्किटेक्चर एंड आर्ट हिस्ट्री पद्म अवार्ड। अमिताभ घोष शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई, अभी तक के सबसे कम रहे हुए आरबीआई के गवर्नर। और अभी हमारे नेक्स्ट गवर्नर कौन दोस्तों? सॉरी नेक्स्ट नहीं मतलब करेंट, बताइए हमारे करंट में गवर्नर कौन है आरबीआई के? और आरबीआई की स्थापना भी कब हुई थी ये भी बताइए? 1935 में हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और कौन है यहाँ के हमारे अभी गवर्नर? शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर गोविंद स्वरूप फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द ऊटी रेडियो टेलीस्कोप। प्रणब मुखर्जी इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट। डॉक्टर एस आई पद्मावती इंडिया फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी पद्म अवार्डेड, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी पद्म अवार्डेड डॉक्टर एस आई पद्मावती। पद्मावती से दोस्तों पद्मावत मूवी याद आ गई, वाकई में बहुत अच्छी मूवी थी नहीं? वो क्या डायलॉग है इसका? सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है पर सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों बहुत मजबूत चाहिए। चलिए नेक्स्ट पुरुषोत्तम राय फॉर्मर इंडियन एथलेटिक्स कोच द्रोणाचार्य अवार्डी 2020। पंडित जसराज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण इन सालों में इन्हें मिला है। निशिकांत कमाट इंडियन फिल्म मेकर एंड एक्टर। चेतन चौहान फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड उत्तर प्रदेश मिनिस्टर। राहत इंदौरी इंडियन बॉलीवुड लिरिकिस्ट एंड उर्दू पोएट। शिवाजी राव पाटिल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड सीनियर कांग्रेसमैन। अभी सीएम कौन है महाराष्ट्र के दोस्तों बताइए? उद्धव ठाकरे। अमर सिंह फॉर्मर समाजवादी पार्टी लीडर एंड सिटिंग राज्यसभा एमपी। लालजी टंडन मध्य प्रदेश गवर्नर, अभी कौन है दोस्तों यहाँ की गवर्नर बताइए मध्य प्रदेश में? आनंदीबेन पटेल ठीक है, और ये यूपी की भी है। सी एस शेषाद्री एमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियन ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नीला सत्यनारायणम फर्स्ट फीमेल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र।
दोस्तों थोड़ा सा ये फर्स्ट फीमेल वाले क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा आप। फर्स्ट फीमेल की अपनी जो अपने एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट हुई है, जो हमारी रफाल जिन्होंने चलाया था अभी बताया था आपको, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे, इनको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जगदीप जी जो हैं हमारे इंडियन फिल्म एक्टर एंड कॉमेडियन हु अपीयर्ड इन मोर देन 400 फिल्म्स। सरोज खान, इन्हें कौन नहीं जानता दोस्तों, बहुत सारे शोज में ये कोरियोग्राफर रही है, जज रही है, ये भी हमारे साथ है नहीं, गुजर चुकी हैं। तो ये कहते हैं इंडिया डांस कोरियोग्राफर इन हिंदी सिनेमा, 3 times नेशनल अवार्ड विनर। विद्याबेन शाह, रेनॉट इंडियन सोशल वर्कर। सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड एक्टर एंड टेलीविजन स्टार, अभी बहुत इनका चल रहा था, क्या नाम था उनका जिनके साथ इनको पाया जा रहा था, चक्रवर्ती करके, सॉरी वो ध्यान नहीं आ रहा, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। बसंत राय जी, इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड क्रिकेट हिस्टोरियन। वेद मारवा, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। बासु चटर्जी, इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। वाजिद खान, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर। योगेश गौर, इंडियन राइटर एंड सीनियर लिरिकिस्ट। अजीत जोगी, फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम, सॉरी, है ना। सो दोस्तों ये थोड़े से इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, थोड़ा ऐसा ध्यान दीजिएगा कि अभी 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक होते थे, तो 2000 सन में यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, और तब उस वक्त यहाँ के कौन थे हमारे, अजीत जोगी थे छत्तीसगढ़ के सीएम, तो डेथ कर गए ये। बेजान दारूवाला, इंडियन इंग्लिश प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजी कॉलमनिस्ट। मुस्तफा हुसैन, इंडियन सतिरिस्ट एंड राइटर ऑफ उर्दू लिटरेचर। बलबीर सिंह सीनियर, फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर, पार्ट ऑफ 3-time ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। ऋषि कपूर, बॉलीवुड एक्टर, इनकी अभी दोस्त ल्यूकेमिया से मौत हो गई है ना, ल्यूकेमिया कभी आ जाए तो, ये ल्यूकेमिया दोस्तों क्या है, ये कैसी बीमारी है, ये ब्लड कैंसर, ठीक है। इरफान खान, बॉलीवुड एक्टर, दोस्तों मेरे काफ़ी फेवरेट एक्टर में से एक रहे हैं इरफान खान, इनके जाने का हमें भी बहुत दुख है, इनफैक्ट मैं काफ़ी पसंद भी करता था इन्हें, बहुत अच्छी एक्टिंग थी इनकी। चलो नेक्स्ट, शांति हीरानंद, इंडियन क्लासिकल सिंगर। गीता राम जी, सीनियर वायरोलॉजिस्ट। सतीश गुजराल, फेमस पेंटर एंड राइटर। और निम्मी, हमारी इंडियन एक्ट्रेस। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी जितनी भी नेशनल पर्सनालिटीज थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले जितने भी हमारी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं तक हमारा सेशन था, कैसा लगा हमारा सेशन आप हमको बताइए, और भी कुछ आपकी डिमांड रहे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम बिल्कुल कोशिश करेंगे करने की। सो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।